Let's start with question number 4. It says diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of earth is the volume of moon? तो हमें रेशियो किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ओवर वॉल्यूम ऑफ मून. तो इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, दैट डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या बन सकती है इससे, अगर मैं इसको रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो जो हमारा डायमीटर ऑफ मून है, इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ आर एम, 1/4 एज इट इज, ट्वाइस ऑफ आर ई. अब देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, आर एम किसके इक्वल हो गया, 1/4 आर ई. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है और वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालते हैं सबसे पहले तो, सो इट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर ई क्यूब. आर ई क्यूब यहाँ पे लिखेंगे हम और दूसरे वाले में चेंज कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर एम क्यूब. अब आर एम की वैल्यू हम इसमें सब्सिट्यूट करते हैं और विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मून. क्यों हम आर एम की वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वैल्यूज कैंसिल हो सकेंगी फिर. अब आर एम की वैल्यू हमारे पास है 1/4 आर ई का क्यूब. अब हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शन निकालना है, रेशियो निकालना है. तो रेशियो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ओवर वॉल्यूम ऑफ मून. तो डिवाइड कर देते हैं हम दोनों को ही, फ्रैक्शन निकालना है ना, क्योंकि हमें रेशियो निकालनी है एक तरीके से. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ सब्सिट्यूट करते हैं, इट इज़ 4/3 पाई आर ई क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 1/4 का क्यूब और आर ई का क्यूब. आर ई क्यूब आर ई क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से कैंसिल. आपके पास बचा क्या, 1/4 का क्यूब निकालो, तो आपके पास क्या आएगा, 16 × 4 विच इज 64. तो आपका 64 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 64/1, और यू कैन राइट 64:1 एज द आंसर. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5.